हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मानिक है। मैं आज एक नया लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। उसमें मैं हिंदी में आप सबको मैनेजमेंट कोर्सेज के बारे में बहुत सारे लेक्चर्स और बहुत सारे सीरीज मैं आज से चालू कर रहा हूं। मैं कर्नाटका स्टेट की हुबली शहर में एक बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज जो है ग्लोबल बिजनेस स्कूल GBS हुबली, इस MBA कॉलेज में मैं डायरेक्टर हूं। मैं 22 साल से मैनेजमेंट कोर्सेज पढ़ा रहा हूं, कंसल्टेंसी रिसर्च और ट्रेनिंग और कोचिंग देता हूं। आज मैं सीरीज इसलिए शुरू कर रहा हूं, जो हमारे देश के बहुत सारे लोग जिनको अंग्रेजी में समझने के लिए थोड़ी दिक्कत होती है, उनके लिए मैं एक कोर्स शुरू कर रहा हूं। आज के इस सेशन में मैं इस कोरोना COVID-19 सिचुएशन में, इस महामारी के समय में जिन लोगों ने भी अपनी नौकरी खोई है और जो लोग इस महामारी के समय में अपनी नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए आज का ये लेक्चर समर्पित करता हूं। सबसे पहले जिन लोगों की नौकरी गई है, वो लोग इस वक्त क्या करें? जब आपकी नौकरी चले जाती है तो आपकी इनकम चली जाती है, आपका सिविल स्कोर नीचे आ जाता है, आपकी सेविंग्स नहीं रहती, आपके जो खर्चे वगैरह रहते हैं उसके ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता है, आप अपने हर डिमांड मीट नहीं कर सकते। तो इस समय में जब आपकी नौकरी नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए? जब ये व्हाइट कॉलर जॉब बोलते हैं, जो एग्जीक्यूटिव जो ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन में जो जॉब रहते हैं, उनकी अगर जॉब चली जाए तो नई जॉब के लिए आपको सैलरी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी, या तो अपना पूरा करियर शिफ्ट करना पड़ेगा दूसरी जॉब के लिए। कितनी भी सैलरी हो, मुझे जॉब चाहिए, इस तरह से आप लोग जॉब पाने के लिए तिल मिला उठेंगे। जब आपकी नौकरी नहीं रहती तो सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होता है, आपकी मानसिक और दैहिक जो क्षमता है उसको बनाए रखना है, उसकी सही रखना है। अगर आपकी मानसिक और दैहिक जो आरोग्य होता है, अगर वो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया, आपकी हेल्थ बिगड़ गई, तो आप पूरी तरह कोलैप्स हो जाओगे और आपके साथ आपकी पूरी फैमिली कोलैप्स हो जाएगी। जब नौकरी नहीं रहती, इंसान बहुत स्ट्रेस में रहता है, जिसकी वजह से फैमिली में बहुत सारे इश्यूज आते हैं, फैमिली टूट जाती है, डिवोर्सेस हो जाते हैं, मानसिक खिन्नता आ जाती है, साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाता है, इंसान चिड़चिड़ा बन जाता है, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड, कॉन्फ्रंटेशन बहुत बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी रिलेशन पूरी बिगड़ जाती है। तो इस समय में इससे उभरने के लिए आपको सबसे पहले अपनी जो क्षमता है उसको बढ़ानी पड़ेगी, दैहिक क्षमता और मानसिक क्षमता दोनों भी बढ़ानी पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फैसला है इस वक्त जो आपको लेना है, कि घर में जो आप लोग बैठे हैं, आपकी नौकरी नहीं रही, तो इस लॉकडाउन के दौरान जब आप घर पे हैं, अपना CV अपडेट कीजिए। कैसे अपना आप CV अपडेट करेंगे? ऑनलाइन कोर्सेस लेंगे, सर्टिफिकेट कोर्सेस लेंगे, नए टेक्निक्स नए कोर्सेस सीखेंगे, अपनी एबिलिटी अपनी काबिलियत को बढ़ाएंगे, उसको इंप्रूव करेंगे, आपकी CV को ब्रश अप करेंगे, आपके रिज्यूमे को आप अपडेट करेंगे, उसको रिच करेंगे। तो ये सब कैसे होगा? जब आप अपना वक्त अपना समय सही तरह से इस्तेमाल करेंगे। जब आपका खाली समय रहता है, उस वक्त आप अपने CV अपडेट करने के बाद अपने पूरा नेटवर्क को आपको खोद कर निकालना है,
अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स, अपने रिलेटिव्स, जो भी पहचान, सबको अपना सीवी भेजो। उनसे रिक्वेस्ट करो कि मेरे लिए जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए जॉब के लिए हेल्प कीजिए। तो इससे क्या हो जाता है, इससे आपकी इनकम पे थोड़ा बोझा कम हो जाता है। आपको इमीडिएट नौकरी ढूंढने के लिए थोड़ा अनुकूल हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, आपकी जो नौकरी के लिए जो आपको हेल्प करेंगे, या तो अपने कलीग्स हेल्प करेंगे, अपने रिलेटिव्स हेल्प करेंगे, या तो अपने फ्रेंड्स करेंगे, या तो अपने क्लासमेट्स करेंगे, इसलिए उनके साथ नेटवर्क बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब से अपना नेटवर्क बनाए रखें और अपने सीवी को ब्रशअप करें, नए कोर्स ब्रशअप करें। जब आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा 2020 में आपने फरवरी से लेकर नवंबर दिसंबर तक कुछ नहीं किया, तब आप बता सकते हैं कि मैंने ऑनलाइन कोर्स ली, मैंने ये सर्टिफिकेट कोर्स किया है, मैंने ये किताब पढ़ी है, मैंने ये कोर्स किया है, कुछ तो आप बता सकते हैं। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपका ये पूरा साल पूरा जीरो हो जाएगा। और व्हाइट कॉलर जॉब में रिज्यूमे के अंदर कुछ गैप रहा तो उसे एक नेगेटिव तरह से देखा जाएगा। इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने सीवी को फिल करें। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो लोगों की आज नौकरी है, उन लोगों को कंपनियों ने उनको घर से काम करने के लिए बुलाया है, वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम मतलब ये नहीं कि आप घर पर आराम करें, इट इज नॉट रिलैक्स एट होम, इट इज वर्क फ्रॉम होम। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आपने प्रोग्रेस किया है, जो प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, कोई स्ट्रेटजी पे वर्क कर रहे हैं, बार बार अपने हायर अप्स, अपने बॉस को बताइए कि मैंने ये किया है, आज इतना हो गया, मैं ये सोच रहा हूँ, कुछ सजेशन दीजिए। उनसे आप अपना कॉन्टैक्ट रखिए, मेल पे, व्हाट्सएप पे, मैसेज पे, कॉल पे, उनसे अपनी प्रोग्रेस, अपना काम। तो इससे आपके बॉस को ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप काम कर रहे हैं, आप घर पे रिलैक्स नहीं कर रहे हैं। अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो आपके ऊपर आपका बॉस डाउट करने लगेगा। अगर आप अपने आप को उभार नहीं रहे हैं टैलेंट की तौर पे और अपनी एबिलिटी इंप्रूवमेंट करने की तौर पे, नए स्ट्रेटजी की तौर पे, और अपने कोलीग्स, जो आपके कोलीग्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे आपको रिपोर्टिंग हो, सबऑर्डिनेट जो बोलते हैं, या तो अपने बॉस हो जिनको आप रिपोर्ट करते हैं, उनके साथ अच्छे संबंध, अच्छे नेटवर्क रखिए, उनसे भी टच में रहिए कि आप काम क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है, हमेशा सजेशन दीजिए, अच्छे अच्छे उपाय ढूंढिए, नए प्लान्स बताइए, नए स्ट्रैटेजीज बताइए। तो इससे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आपके ऊपर एक भरोसा रहेगा। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत मुश्किल में आ जाएंगे। तो बी केयरफुल, जब भी आप कुछ वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो ये आप ध्यान पे रखिए। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है, आप रिपोर्ट करते हैं कंपनी को, इन टाइम रिपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सही वक्त पे, सही समय पर अपने ऑर्गेनाइजेशन पे जाना है, रिपोर्ट करना है, काम करना है, क्योंकि आपके एक सैलरी में तीन लोगों को कंपनी हायर कर सकती है। तो बेटर बी केयरफुल, अपनी जॉब संभालिए। जब भी आपको कुछ टास्क और कुछ काम दिया जाता है, नेवर से इट इज नॉट माई जॉब, ये मेरा काम नहीं है। अगर आप ऐसे बोल देंगे तो मैंने ऑलरेडी कहा है आपके सैलरी में तीन लोग आ जाएंगे। तो ऑलवेज कैरी ऑन योर वर्क एंड रिस्पेक्ट योर वर्क। तो आपके काम और अपनी नौकरी पे, अपने जॉब को रिस्पेक्ट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज और एक है, जहां पर आप अपने नेटवर्क और कॉन्टैक्ट्स हमेशा अपने साथ में रखें। और जिन लोगों की नौकरी नहीं है, उनकी नौकरी जॉब जा चुकी है, वो लोग अपने 4 से 6 महीने के लिए प्लान करें, अपना पीएफ, अपनी सेविंग्स, अपनी एफडी, और अपने पास जो भी ज्वेलरी, जो भी गहने, जो भी सोना चांदी घर पे है, उसके हिसाब से 4 से 6 महीने तक अपनी फैमिली स्मूथ चले, उसके हिसाब से प्लान कर लीजिए। एक बार वो हो गया, नौकरी ढूंढना शुरू कीजिए।
4 से 6 महीने में आपको नौकरी मिलनी ही है, क्यों नहीं मिलेगी? देश हमारा इतना बड़ा है, 140 करोड़ लोगों का देश है, पूरी मशीनरी फिर चालू हो जाएगी। हमारा देश एक्सपोर्ट ओरिएंटेड देश नहीं है, 90% जो भी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं वो हमारी कंट्री में ही कंजम्पशन होता है। तो कल इकोनॉमी खुलेगी, कल सूरज निकलेगा, कल दिन आएगा, अंधेरा नहीं होगा। तो अपनी जॉब ढूंढने के लिए और अपनी जॉब बचाने के लिए हमेशा कोशिश कीजिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव न्यूज, पॉजिटिव लोगों में रहिए, पॉजिटिव मूवीज देखिए, पॉजिटिव प्रोग्राम्स देखिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। आप नेगेटिव देखेंगे, नेगेटिव लोगों के साथ में रहेंगे तो आपके सब नेगेटिव ही हो जाएगा, तो ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको मैंने कहा था कि अपनी सीवी ब्रशअप करने के लिए, आपका जो रिज्यूमे होता है उसको ब्रशअप करने के लिए नए कोर्सेस, नए स्ट्रेटजी, नए सर्टिफिकेट कोर्सेस ऐड करने से वो रिच हो जाता है। इसके लिए आपको इससे बेहतर और बेटर सैलरी और वाला और इससे बेटर जॉब मिल सकता है। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए। एक बार लॉकडाउन खत्म होने के बाद फिर से दुनिया शुरू होगी, फिर से हमारी इकोनॉमी पटरी पर आ जाएगी। इसके साथ आज का मैं ये सेशन एंड करता हूँ। जय हिंद।